हमारा बिल्कुल स्टैंड पे हम कायम है कि सरकार को उनको जो है मंत्री पद से उनको हटाना चाहिए, ताकि ये निष्पक्ष जांच जब तक नहीं होगी, और जो इसमें निष्पक्ष जांच तब हो जब कोई सरकारी प्रभाव की कोई बात हो ना, वो तब संभव है जब वो अपने पद पे ना रहे। इसमें कोई मंत्रालय छोड़ने वाली बात हुआ वो नहीं है, वो अपना उनको मंत्रिमंडल से उनको हटाया जाए, तब ये सरकार की नीयत इसमें साफ़ है कि नहीं है, ये तो उसका तब पैमाना है वो। ये तो एक बहुत ही मतलब तो ये जो है, क्योंकि वो हमारे फतेहपुर जो है वहाँ की हमारी बेटी हैं और झज्जर ज़िले की हैं, तो आज उनके फादर भी यहीं हैं, उनके परिजन भी यहीं, जिनसे अभी मैं उनसे भी हमारी बातचीत के बाद आपको दोबारा भी बैक, क्योंकि हमारा जो परिवार का निष्पक्ष जांच ऐसी हो कि भाई परिवार को संतुष्टि हो और प्रदेशवासियों को भी उसी में संतुष्टि होगी। और प्रदेशवासियों को संतुष्टि क्यों आवश्यक है, क्योंकि वो एक बहुत हाई पब्लिक ऑफिस में बैठे हुए एक व्यक्ति पर इस तरह का संगीन आरोप आया है सामने, तो प्रदेशवासियों को तो इसमें तो ये बेटी बचाओ का जो नारा था ना, तो खोखला साबित हो जाएगा नारा, क्योंकि राजनीति में सब संभव है। ऐसा है कि भाई हम उन क्यों जिन पार्टियों का ज़्यादा अस्तित्व नहीं बचा जो है, जो लोगों के अनुसार वोट शेयर और उनके अनुसार जिनका उन पर हम क्यों ज़्यादा उसमें चर्चा करके आपका हमारा दर्शकों का आपके पाठकों का टाइम व्यर्थ करें, जो वो है ही नहीं जब लोगों में। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।